समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो शर्मा जी। हाय हाय हाय, हाउ आर यू? और शर्मा जी क्या हाल है? बस ठीक है, आप बताइए। इसे सब ठीक है, कॉन्टेक्ट लाया था। मैंने इन टर्म एंड कंडीशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। आप ये डील छोड़ के शर्मा जी अच्छा नहीं। निधि, क्या हुआ पापा? क्या है सर? क्या करूं पापा? कविता, कविता। हाँ जी, बताइए क्या बात है? क्या है निधि? आप गुस्सा मत करिए, मैं साफ करा देती हूँ। ये संस्था भी है, तुम अपनी बेटी को क्या? इतनी बड़ी संस्था को तुम ऐसे चला रही हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काश मेरा बेटा होता, मैं उसे कान खींचता। कविता, बेटी को समझदार बनाना और घर का रख रखाव करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप नाश्ता तो करके जाइए। सुनिए,
आज बिटिया से झगड़ा। मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी बाबा, आपने मुझे कभी नहीं डांटा, फिर आज क्यों डांटती हो? अंदर आओ, हमें घर चल रहा है। आज सुबह राम सिंह, तुम अपनी हैसियत से ज्यादा बात कर रहे हो, लगता है अब तुम्हें नौकरी करनी ही नहीं है। आपको ना आपके पूरे बिजनेस और पैसे का गुरूर हो गया साहब। हाँ है मुझे गुरूर, गरूर है अपने बिजनेस का, गरूर है मुझे पैसे का, गरूर है मुझे। तुम क्या समझो, अगर आज मेरा बेटा होता तो वो मेरे बिजनेस को और मेरे परिवार को संभालता। हम गरीब आदमी हैं साहब, पर समझते हैं बेटी लाडली होती है साहब, बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता साहब, नहीं होता साहब। राम सिंह, गाड़ी साइड पे लगाओ। जी सर। आपसे
निधि बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मा आपको पता है ये शाम मुझे क्यों अच्छी लगती है? क्यों? क्योंकि ये मेरे पापा को लेकर आती है। पापा से बहुत प्यार करती है मेरी लाड़की। चल अंदर चलते हैं। लाडली बेटी है हमारी लाडली। लीजिए चाय भी आ गई। पापा और कुछ ना? निधि बेटा ऐसे रोते नहीं है, तुम्हें तो पता है ना पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं, और तू तो पापा की लाडली है। हो सकता है वो ऑफिस के किसी काम से नाराज हो। निधि बेटा तू तो मेरी लाडली बेटी है, तू तो मेरा गरूर है बेटा। पापा आप मुझे कभी डांटना मत। कभी नहीं बेटा कभी नहीं। हेलो मैडम, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, इन पेंटिंग से भी ज्यादा। और ये जो नागिन जैसी आंखें हैं, कहीं डस ना ले। तो जरा बच के रहना मिस्टर शिवा। और रही बात खूबसूरती की, वो तो हम हैं। बस तुम्हें ये याद दिलाना था कि आज एग्जीबिशन में ज्यादा से ज्यादा हमारी पेंटिंग बिकनी चाहिए। हमने देखा है कि आज कई रईस और पेंटिंग के शौकीन आए हुए हैं, तो जितनी ज्यादा हमारी बिकेगी उतना ही हमारा और तुम्हारा फायदा होगा। जो तुम्हारे और हमारे बीच में सौदा तय हुआ था उसका डबल तुम्हारे लिए। ओके हैंडसम, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। संजीव सर, मैम मिलने आई है आपसे, उन्होंने एक पेंटिंग फाइनल करी है हमारे एंड पे। हेलो, क्या हुआ? बिक गई। कितने में? 2 करोड़ में। 2 करोड़? 2 करोड़ में? Now it's mine, Mr. Sharma, आप अभी इस पे सोल का टैग लगा दीजिए। शर्मा जी, आपके डिजायर ग्रुप कंपनी की न्यूज अखबार में पढ़ी। कल आपकी कंपनी ने तो एग्जीबिशन में कमाल ही कर दिया। आपकी पेंटिंग 2 करोड़ में बिकी। भाई शर्मा जी, पार्टी तो बनती है। अरे शर्मा जी, डिजायर ग्रुप तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे पेंटिंग तो ऐसी है जैसे उसमें जान फूंक दी हो। अजी दुनिया तो दुनिया, हम कंपटीटर होकर भी आपकी पेंटिंग के कायल हैं। पर शर्मा जी एक बात बताओ, डिजायर ग्रुप का उत्तराधिकारी कौन होगा? डिजायर ग्रुप शर्मा परिवार के पास रहेगा या किसी और की कंपनी हो जाएगी? मिस्टर शिवा कुमार, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं। ये है मेरी उत्तराधिकारी, मेरी बेटी निधि शर्मा। आप भी अपनी सोच बदलें। इस दुनिया में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। मेरा सब कुछ किसका है? सब मेरी बेटी का ही तो है। आप चाय पीजिए। हाँ, चाय पीजिए।